हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मिनट के अंदर कैलेंडर की सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्रिक्स। आप लोगों को पता है कि कैलेंडर रिपीट हम लोग जब भी करते हैं, कैलेंडर में जो आप लोगों का पूछा जाए कि कौन सा ईयर का कैलेंडर आने वाले किस साल में रिपीट होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो है ट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी लीप ईयर के लिए कि आप लोग का जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो कब रिपीट होता है। लीप ईयर को आप लोग डिवाइड करके चार से निकाल सकते हो कौन सा साल लीप ईयर है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। अब बात करते हैं जो लीप ईयर प्लस वन का कैलेंडर है, यानी कि लीप ईयर के जो तुरंत बाद आने वाला साल है उसका कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो वो कैलेंडर आप लोग का रिपीट होता है आफ्टर 6 ईयर्स। तो आप लोग सीधे सीधे 6 जोड़कर वहां पर आंसर निकाल सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लीप ईयर के 2 साल बाद या 3 साल बाद आते हैं, यानी कि लीप ईयर प्लस 2 या 3, तो वो साल आपके वो कैलेंडर आपके 11 साल के बाद रिपीट होते हैं। यानी आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी है, 28, 6 और 11।